रिलैक्स दोस्त इस संडे, सॉरी सॉरी सॉरी, रिलैक्स दोस्त इस संडे वो वाला वीडियो है जो कि हमको पहली बार परेशान किया। अब परेशान किस तरह से किया मैं वो बताता हूं आपको, क्योंकि अपना जो ये लैपटॉप है, ये जो लैपटॉप है अपना ये जो लैपटॉप है, मैंने इससे करीबन मैं बोल सकता हूं चैनल के ऊपर तो 60 वीडियो हैं, उसके अलावा भी मैंने 10 वीडियो एडिट किए हुए हैं, और भी कई बार 70 वीडियो इस लैपटॉप से मैंने एडिट किए हुए हैं, 70, ठीक है। और मतलब किस परिस्थिति में किया है मैं नहीं जानता, मेरे जगह पे और कोई होता ना तो नहीं कर पाता, क्योंकि एक एक दो दो घंटे के वीडियो। तो उस समय क्या हुआ कि अटक गया मैं, मेरा लैपटॉप क्रैश, क्योंकि 4GB का रैम, कोर i3 मशीन है ये, ठीक है। और जब मैंने ये YouTube स्टार्ट किया इससे पहले से ही मेरे पास, उस समय तक मैंने कोई खर्च नहीं, इवन मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो है मैं खर्च कर रहा हूँ YouTube के ऊपर, आज मैं खर्च कर रहा हूँ। सो ये लैपटॉप मेरा मर गया। सो यहां पे मुझे किसने मदद की, यहां पे मुझे मदद की मेरे सुधीर सर ने। सर 2012 से उनसे जुड़ा हुआ हूं मैं, जब मैं पुणे आया था इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया, उन्होंने पूछा था मुझसे कि कोई दोस्त है तुम्हारा क्या चंदन, तो हम बोले सर मेरा तो कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला क्या कि कभी मत बोलना कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, सुधीर अग्रवाल तुम्हारा दोस्त है। और आप सोचो उस कंपनी में मैं 7 या 8 महीने काम किए थे, ठीक है, और मैं छोड़ दिया था वो कंपनी को, उसके बाद भी आज भी मेरा रिलेशन सुधीर सर के साथ बना हुआ है, उनका रोहन मैम कितने प्यारे लोग हैं, कितने अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सुधीर सर से आप मिल लोगे तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे फादर के बाद अगर मतलब यू नो अगर मैं एक तरफ से देखता हूं ना गार्जियन की तरफ, तो सुधीर सर वो इंसान है जिनको मैं ये चीज देखता हूं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, कमाल की चीजें कहते हैं और कॉन्क्रीट लेवल पे बात करते हैं। सो हम लोगों ने यहां तक कर लिया, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। रिलैक्स दोस्त, सुधीर सर के बारे में मैंने बता दिया, और भी सुधीर सर के बारे में आने वाले समय में चीजें आएंगी, सो गेट रेडी फॉर दैट। फिर मैंने पहला इन्वेस्ट किया, एक ट्राईपॉड लिया, मैंने ये मैन फोटो का ट्राईपॉड लिया, ठीक है, उसके बाद रिलैक्स दोस्त का वीडियो के बाद। ओके, यहां पे एक बहुत बड़ा चीज हुआ, 29/5/2018 को बेसिकली क्या हुआ, मेरा दोस्त जो है शिवेंद्र दत्त बंसल आए मेरे पास जब मैं दिल्ली से आया, उसका बिजनेस का कुछ काम था सोलापुर में, तो पहला लड़का जिसके साथ मैं अपने कैमरे के साथ में गया सोलापुर, वीडियो बनाया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो उसके बाद ओके, ये पॉइंट हो गया, अपने को एक बॉक्स खोलना है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओ, देखो सीजर है, कैंची है, ठीक है, डिजाइन वाला है थोड़ा सा पैतरा, ठीक है, हो गया। ओके, मेरा फर्स्ट जो परफॉर्मेंस या बोल लीजिए या फिर स्टेज पे जाकर के जो मैंने बोला वो 22/6/2018, तब मैं पहली बार ना अपने पापा के नजर में आ गया, ये लड़का मतलब ना स्टेज पे जा रहा है, क्या बात है। सो काफी खुश हो गए, वो बोले भाषण दे रहा है, अच्छा है। तो वो एक सीन हुआ जहां पे पापा ने मुझे नोटिस किया, ये हो गया, ये एक बहुत अच्छा चीज था। तो हम लोग एक पॉइंट खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, लव फ्रॉम भुवन बाम।
ये मैंने बनाया था 27/6/2018, बेसिकली 2006 से लेकर के 2018 तक के मैंने सारे फोटोज जो हर मोमेंट्स के थे वो मैंने खींच करके लगा डाला था उसके अंदर। बहुत मेहनत लगा था लेकिन आई एम हैप्पी कि वो वीडियो बनाया मैंने। मैं उसका रीजन भी बताऊंगा कि आज मैं उस वीडियो बनाने के लिए क्यों खुश हूँ। चलिए हमारा यहां तक भी हो गया है, सो हम लोग एक काम करते हैं। लव फ्रॉम भुवन बॉम डन। The next point है Canon G7 Mark II। ये मैंने 23/7/2018 को खरीदा था। You know, आपके उस समय मेरे आपके भाई पास बिजनेस कर रहा था, भाई पैसा था, बहुत पैसा था। भाई गया उस बेसिकली टूल के ऊपर उसने खर्च किया। You know, उसकी भी कोई गलती क्या थी और उसको जितना बुद्धि था उसने उस पैसा किया, बेसिकली मैंने उतना किया खर्च कर दिया। उसने 50,000 रुपए खर्च कर दिए। इनकम जीरो, खर्च 50,000 कर दिया लौंडे ने। ठीक है, कर दिया भाई, टूल के ऊपर खर्च किया। चलो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा उस टॉपिक के ऊपर, मैं ही था वो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और बॉक्स जो है वो काफी ज्यादा चीज है, देखते हैं। ओके, इट्स चाय टाइम। बेसिकली ये मोबाइल होल्डर है और ये एक नहीं है, ये दो दो है, दो मंगाया मैंने। क्या वो इजी रहता है ना थोड़ा कैरी करना। पूरा ही बॉक्स को पूरा ही खोल देते हैं। यह है बेसिकली कलर के पेपर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे समझाने के लिए जरूरत पड़ने वाली है, या फिर पेपर है दोस्तों, कुछ नहीं है वो अभी भी। ओ अरे यार, ढेर सारे स्टिकर्स हैं इसमें तो। लगाएंगे इसको भी, लगाएंगे। तुसी ना गिरो भाई, तुसी ना गिरो, आई होप सो। चलिए ठीक है, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया 8/9/2018 कॉस्मेटिक्स के ऊपर। बेसिकली विनोद भैया का शॉप का वीडियो बनाया था मैंने, और मतलब अच्छा अच्छा कंटेंट था, अच्छा बनाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बिना कैप के अच्छा लग रहा हूँ या फिर कैप पहनने के बाद अच्छा लग रहा हूँ। चलिए यार, बहुत पसीने आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ओके, कॉस्मेटिक्स का वीडियो बनाया। जितने भी लोग थे, मतलब जो सेल्स लाइन में जुड़े हुए थे, सब लोग जान गए कि चंदन एक यूट्यूब क्रिएटर बन गया है। बहुत अच्छा मूवमेंट था, सबको जानकारी प्राप्त कर लिया। हमारा 14 पॉइंट जो है वो खत्म। अब आते हैं 15वां पॉइंट पे। तो 15वां पॉइंट से पहले पढ़ लिया जाए कुछ। कुछ नहीं, फिर से A4 शीट का पेपर है। अब यहां से मेरा दुखता रग स्टार्ट होता है दोस्त। मैं नहीं संभाल पाया, बेसिकली मैं नहीं संभाल पाया बिजनेस, और बीच में सिस्ट आया था। उसने बोला कि तेरे नेचर में चेंज हो गए हैं, बाकी सब चीजें भी बोली। तो मतलब होता ना ढीठ इंसान, मैं बन गया था ढीठ इंसान,
नहीं सुना मैंने बात। वैसे गुंजीत और शिष्ट रहता था ना, दोनों मिल करके ठोक बजा करके हमको समझा देता था, मैं समझ भी जाता था कुछ समय बाद। मतलब यू नो हम सोचते थे कि इतना बोल रहा है और यू नो दोस्त है तो कुछ गलत नहीं चाहेगा, तो समझ जाता था। लेकिन आप जब कमाने लगते हो ना, महीने का 1,00,000 रुपए बनाने लगते हो, तो आप नहीं सुनना चाहते हो किसी का। तो वही हुआ, नहीं सुना मैंने, तो सब चला गया दोस्त, सब चला गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मेरे दोस्त गए, फैमिली की नजर में गिर गया मैं, कोई इज्जत नहीं रहा मेरा। उसके बाद मेरे से वेद विहार छूट गया, वेद विहार का घर छूट गया मुझसे, जो कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए सबसे वर्स्ट थिंग था मेरे लाइफ का। उसके कोई पैसा नहीं बचा मेरे पास करने को। उसके बाद बुलबुल, पता है आपको, मुझे इतना बुरा लगा ना कि मैंने वो वीडियो ब्लॉक करके रखा है, 6-6 वीडियो मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। बुलबुल एक डॉग रखा था मैंने, उसका नाम बुलबुल रखा था, बड़े मन से रखा था, औकात नहीं थी, मुझे बाद में पता चले कि उसको पालने की, लेकिन फिर भी रखा। और आगे जा करके कुछ, अभी वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से है, खाना पीना उसका बढ़िया हो रहा है, सेहतमंद है। बीच बीच में मैं खबर भी लेता रहता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ मिलने के लिए, लेकिन आगे जा करके डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे और मैं आप लोगों से भी बिल्कुल को मिलवाऊंगा। बहुत बुरा, मैं रो रहा था एकदम लिटरली। और भी इसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई, फिर हम लोग कभी उसके बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट बॉक्स खोल लेते हैं हम लोग। तो भाई लोग, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो दोस्त लोग बोले ना, जो आपके दिल के करीबी लोग हैं ना, आप उनकी बात माना करें, तो आपका बुरा नहीं चाहेंगे। वाओ, ये सच में वाओ का ही प्रोडक्ट निकला, क्या है यार। ओके, इसमें ओमेगा 3 है। एक चीज और बताता, वैसे हेल्थ के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, बस छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तुलसी डेली ओमेगा 3, ठीक है, मैं डेली एक एक टैबलेट जो है मैं लेता हूँ। आप लोग थोड़ा गूगल करो क्या फायदा है नहीं फायदा है, वीडियो अलग से भी बनाऊंगा मैं अगर आप कमेंट कर दोगे तो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सब लॉस हो गया, वाव। 15 पॉइंट है लाइफ आफ्टर फेलियर। मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत लोगों के कहने के बाद, बहुत लोगों के बोलने के बाद मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें भी शुरुआत मैंने नहीं किया,